स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास फिफ्थ एंड सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज। बेटे एज यू नो वी हैव डन सेवन चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर एट। क्लास फाइव के जीके में हम चैप्टर फाइव सेवन कंप्लीट कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम चैप्टर एट करेंगे। ओके बेटे, सो गेट रेडी क्विक, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर एट। सी बेटा, ऑन पेज नंबर 14 चैप्टर 8, द नेम ऑफ चैप्टर 8 इज एशियन गेम्स 2018। दिस चैप्टर इज अबाउट एशियन गेम्स 2018। 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके बारे में है ये चैप्टर। ओके बेटे, वी विल गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एशियन गेम्स के बारे में। हम कुछ इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में गेन करेंगे। ओके, सो रीड इट केयरफुली। द एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड। एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है, या एशियाड के नाम से भी एशियन गेम्स को जाना जाता है। इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी फोर ईयर्स अमॉन्ग। क्या होते हैं एशियन गेम्स? कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। सारे जो महाद्वीप जो होते हैं वहाँ से प्लेयर्स आते हैं। कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीपीय क्या है बेटा? एक स्पोर्ट इवेंट है जिसमें एशिया के, पूरे एशिया महाद्वीप से सारे लोग आते हैं, मतलब एथलीट्स आते हैं, जो प्लेयर होते हैं एथलीट्स होते हैं वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से आते हैं। हेल्ड एवरी फोर ईयर्स अमॉन्ग द एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। पूरे एशिया से आते हैं एथलीट्स इसमें, और ये हर प्रत्येक फोर ईयर्स में होता है, यानी हर चार वर्ष के बाद हेल्ड होता है। द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन AGF। जो गेम है वो एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा नियमित किए जाते हैं, विनियमित किए जाते हैं, यानी उनके द्वारा इनको सुचारू रूप से हेल्ड करवाया जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट गेम्स इन न्यू दिल्ली, पहला जो गेम हुआ था न्यू दिल्ली में तब से, अनटिल द 1978 तक जो गेम्स हुए थे तब तक। द फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज हेल्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। फर्स्ट एशियन गेम्स जो हेल्ड हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, एंड 4 to 11 March 1951 में। कब हुआ था? 4 मार्च से 11 मार्च तक 1951 में हुआ था। इंडिया वॉज रैंक्ड सेकेंड विद 15 गोल्ड मेडल्स विद अ टोटल ऑफ 51 मेडल्स। इंडिया जब 1951 में हुआ था तो इंडिया की सेकेंड रैंक थी, उसमें उसे 15 गोल्ड मेडल मिले थे और टोटल मेडल जो मिले थे वो थे 51। ओके बेटे, नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2018 स्टार्टेड ऑन 18 अगस्त एंड एंडेड ऑन 2 सितंबर। 2018 में जो एशियन गेम हुए थे वो अगस्त 18 से स्टार्ट हुए थे और 2 सितंबर को एंड हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन द इंडोनेशिया सिटीज़। इंडोनेशियन सिटीज़ में हुए थे, यानी इंडोनेशिया की सिटी में हुए थे। कौन कौन सी सिटी थी वो? जकार्ता एंड पेलम्बंग। जकार्ता और पेलम्बंग में हुए थे, ठीक है। मोटो क्या था जो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे? उनका मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। फ्लैग बियरर कौन थे? ओपनिंग की थी नीरज चोपड़ा ने और क्लोजिंग की थी रानी रामपाल ने। नेक्स्ट, इंडिया की जो रैंक थी 2018 में वो 8th रैंक थी। टोटल मेडल इंडिया को मिले थे 69, जिनमें से 15 गोल्ड मेडल थे, 24
सिल्वर और 30 ब्रॉन्जे। ये किन किन को मिले थे, ये देखो, ये नेम है तंजिंदर पाल सिंह टूर, मैन शॉर्ट पुट में मिला था इसको। नेक्स्ट है वीनस फोगाट, वीनस फोगाट को वुमन रेसलिंग में मिला था। सौरभ चौधरी को मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। रानी सरनोबत को मिला था 25 मीटर पिस्टल वुमन्स शूटिंग इवेंट में। और रोशन बोपन्ना एंड दिवस सारन इसको मिला था टेनिस में, इन दोनों को मिला था बेटा टेनिस में। नेक्स्ट एक और एथलीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फ्रॉम द पैडी फील्ड ऑफ असम टू एडिडास। पैडी फील्ड मीन्स होता है धान के जो खेत होते हैं, असम के धान के खेतों से ये ही एक एथलीट्स है, उसके बारे में बताया गया है कि वह कैसे खेतों से एडिडास जो कंपनी है वहाँ तक वह पहुँची। द गर्ल हु चेजेस टाइम, जिसने समय का पीछा किया, यानी बहुत जल्दी उसने अपनी छोटी सी आयु में उसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। हिमा दास 18, हिमा दास जो कि 18 ईयर्स की हैं 2018 तक। पॉपुलरली नोन एज द ढिंग एक्सप्रेस, उनको लोकप्रिय नाम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल भी उसको कहते हैं। मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन एथलीट हु विन अ गोल्ड मेडल एट अ वर्ल्ड इवेंट, उसने इतिहास को बनाया। कैसे बनाया बेटा, पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पर उसने पहली बार वर्ल्ड में कोई मेडल जीतकर इतिहास बनाया। सी बेस्ट अ गोल्ड मेडल एट द वुमन्स 400 मीटर एट IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप इन फिनलैंड। फिनलैंड में उसने अंडर 20 चैम्पियनशिप में 400 मीटर्स की जो 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर उसने गोल्ड मेडल जीता बेटा। शी ऑल्सो बेस्ट वन गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर एट द 18th एशियन गेम्स इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी उसने 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल उसने जीते। हिमा दास जॉइंस द एडिडास फैमिली, हिमा दास ने एडिडास जो अपन शूज़ पहनते ना, जिसके शूज़ होते हैं एडिडास के फेमस, उसको ज्वाइन कर लिया। इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रुप ऑफ ग्लोबल एथलीट, वह इस का एक क्या है हिस्सा है इसका, उसने एडिडास जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर लिया था। सी हैज़ न्यू कस्टम मेड शूज़, और उसके उससे नए जो तरीके के शूज़ थे वो बनाए गए थे। दैट हैव हर नेम ऑन वन साइड, जिन पर कि एक साइड में उसका नेम था। एंड क्रिएट हिस्ट्री ऑन अदर, और दूसरी साइड उसने हिस्ट्री को यानी इतिहास को बनाया। कैसे इतिहास बनाया बेटा, उसने गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार, ठीक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 15, व्हाट टू डू इन एक्सरसाइज, मैच द प्लेयर्स विद द स्पोर्ट, प्लेयर्स को उनके स्पोर्ट से मैच करना है। सी बेटे, फर्स्ट इज स्वप्ना वर्मन, सो बेटा स्वप्ना वर्मन इज रिलेटेड टू, मैच करेंगे यहाँ से, स्वप्ना वर्मन इज हेप्टाथलॉन, ओके हेप्टाथलॉन, सी इज रिलेटेड टू हेप्टाथलॉन। सेकेंड नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू जुवेलिन थ्रो, जुवेलिन थ्रो, ठीक है। अमित पंघाल, अमित पंघाल इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। नेक्स्ट है प्रणव शिवनाथ पेयर, ही इज रिलेटेड टू ब्रिज, ओके। नेक्स्ट है अरपिंदर सिंह, अरपिंदर सिंह इज रिलेटेड टू ट्रिपल जंप, ओके। यू विल मैच लाइक दिस, and what will you do in your notebook, beta you will write down only name,
ऐसे ही आपको ये नेम लिखोगे स्वप्ना वर्मन, नीरज चोपड़ा, अमित पंगाल, प्रणव शिवनाथ पेयर, अरविंदर सिंह, ये नेम लिख के आप इस तरीके से ये लिखोगे और मैच कर दोगे। इज दैट क्लियर? ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।